उन्हें अरविंद जी में भगवान श्री राम का दर्शन हुआ है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब अगर आतिशी जी को अरविंद जी में राम का दर्शन हो रहा है तो ये तो सनातन की शक्ति है। मुझे लग रहा है अब राम राज्य वापिस आ रहा है। अरे अपमान नहीं, ये तो सम्मान है। आतिशी जी को अगर अरविंद जी में राम दिखाई दे रहे हैं तो ये तो श्रद्धा का विषय है, समर्पण का विषय है। आतिशी ने बयान दिया, वो कह रही है कि उनको अरविंद केजरीवाल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम नजर आते हैं, को भरत बता रही है। उदाहरण भी दे रही है कि जिस तरीके से भरत ने राजपाट चलाया था, खड़ाऊ लेकर गए थे, राम भी इसी तरीके से गए हैं। राम गए थे 14 वर्ष के लिए, 4 महीने के लिए अरविंद केजरीवाल गए, फिर से उनकी सत्ता में वापसी होगी। उनकी कुर्सी पे हालांकि वो बैठी हुई नजर नहीं आई। और भरत और ये राम का जो कनेक्शन होता है, आपको लगता है कि अपमान है सनातन धर्म का? क्योंकि नेताओं को इस तरीके से जोड़ना, कई नेताओं का ये कहना है कि अपमान है भगवान राम का। देखिए, सबसे पहले तो मैं आतिशी जी को बधाई दूंगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पे वो आसीन हुई हैं। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा प्रश्न है कि उन्हें अरविंद जी में भगवान श्री राम का दर्शन हुआ है, तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। अब अगर आतिशी जी को अरविंद जी में राम का दर्शन हो रहा है तो ये तो सनातन की शक्ति है, ये तो सनातन का, मुझे लग रहा है अब राम राज्य वापिस आ रहा है। और इसका श्रेय मैं नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूंगा। जिधर भी दृष्टि पड़े, जिसकी भी पड़े, मैं पूरे विपक्ष को कहना चाहता हूं कि जैसे आतिशी जी को भगवान राम का दर्शन हो रहा है, ऐसे ही सभी पूरा विपक्ष अयोध्या जाकर के रामलला का दर्शन करे। आतिशी जी प्रेरणा की स्रोत बन जाए, मैं तो कहना चाहता हूं पूरे विपक्ष को राम का दर्शन होना चाहिए। इससे अच्छा और कोई शुभ समाचार सनातन के लिए और भारत के लिए नहीं हो सकता है। जहां जो मुख्यमंत्री इस्तीफा देके गए हैं, उनमें जो मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठ रहे हैं, उनमें उनको राम का दर्शन हो रहा है, तो ये तो राम राज्य की शुरुआत है। आपको लगता है कि आतिशी ने जो कहा है अरविंद केजरीवाल को लेकर, वो बिल्कुल सही है? इससे किसी तरह की सनातन का अपमान नहीं होता है? अरे अपमान नहीं, ये तो सम्मान है, तो सनातन का सम्मान है भाई। हर जगह राम दिखाई दे, सबको राम दिखाई दे, सब में राम दिखाई दे, यही तो तुलसीदास चाहते थे। कण कण में परमात्मा दिखाई दे। हम तो पत्थर में भी राम देखते हैं, हम तो पीपल में भी राम देखते हैं, हम तो नदियों में राम देखते हैं, हम तो जल थल नव सब में राम देखते हैं। आतिशी जी को अगर अरविंद जी में राम दिखाई दे रहे हैं तो ये तो श्रद्धा का विषय है, समर्पण का विषय है, आस्था का विषय है। इस पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। ये तो मुझे लग रहा है राम राज आ चुका है।